हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की हम इस क्लास के अंदर एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे ही और जाते हैं। और जिन भी दोस्तों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे, जिसके अंदर हमने संख्या पत्ति के चैप्टर को कंप्लीट किया, वो प्लेलिस्ट में जाकर उनको वॉच करें, वो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के अंदर अपने सीखेंगे भी एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और इससे बनने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसको अपने सोल्व करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम की। क्या होता है एचसीएफ? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको अपने क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं इसको? महत्तम समावर्तक। जबकि एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको फैक्टर बोल लो चाहे इसको मल्टीपल बोल लो, एक ही बात है। क्या बोलते हैं इसको? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको बोलते हैं अपने लघुतम समावर्तक। दोनों में फर्क क्या है और दोनों में किस तरह से अपने वैल्यू निकालते हैं? जैसे कि अपने एग्जाम्पल है, यहां पर मैंने लिखा 12 व 16, इसका अपने को एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। अब यहीं से देखना है भी एचसीएफ क्या कह रहा है, भी हाईएस्ट देखना है, और हाईएस्ट क्या देखना है? कॉमन, वो भी क्या देखना है अपने को? फैक्टर, यानी कि जो भी कॉमन होगा उसकी कौन सी पावर है? हाईएस्ट। अब ये नहीं देखना है कि उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, कॉमन होगा वही उसकी अधिकतम घात वाला लेना है। जैसे कि इसके अपने फैक्टर करते हैं 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। सेम 16 के करेंगे क्या हो जाएंगे? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16। जी हो गया। अब अपन को निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ होएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर लेना, और वो भी कॉमन दोनों में सेम रहना चाहिए। यहां पे देखो 2, ये भी कॉमन है, यहां पर भी 2 कॉमन है, जबकि यहां पर 2 कितनी बार है? 3 बार आया, और यहां पर 2 कितनी बार है? 2 बार है। अब एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन लेना है, और कॉमन भी दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि यहां अगर 2 बार है तो अपने को भी इधर से कितने लेने हैं? 2 ही लेने हैं। तो अगर अपने को एचसीएफ निकालना है तो 2 तो 2 बार लेंगे। अब देखो इधर 3 है, क्या इधर 3 है? नहीं है, क्योंकि कॉमन फैक्टर लेना है यहां पे। इस 3 इधर है बट 3 इधर नहीं है, तो अपने 3 यहां पर नहीं लेंगे। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा यहां पे? 4 आ जाएगा। बात करेंगे अपने एलसीएम की। एलसीएम क्या आएगा? लोएस्ट, यानी कि ऐसा कॉमन फैक्टर चाहे वो कॉमन है चाहे नहीं है, लोएस्ट भी दे रखा हो वो भी अपने को लेना ही है। यानी कि अगर अपने एलसीएम की बात करें, अब इधर देखो 2 लेंगे, 2 यहां पर 2 बार है, यहां पर कितनी बार है? 3 बार है, तो अपने 2 को क्या लेंगे? 3 बार लेंगे। दूसरी बात, 3 इधर है इधर नहीं है, कोई बात नहीं, लोएस्ट मिनिमम है, सारे ही लेने हैं। अब अपने को यहां पे सीखने वाले क्या बात है, अगर यहां पे एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा? 4, 4 × 12 = 12, 8 × 8 = 24। नहीं, यहां पर 2 कितनी बार आया है आपका? 4 बार आया है। 2 यहां पर कितनी बार आया है? 1, 2, 3 और 1, 4। तो 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका? 3। तो 16 × 3, ये कितना आ जाएगा आपका? 48 आ जाएगा। अब इतना कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को सीखना क्या है? एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर देखना है। एचसीएफ में क्या करना है अपने को? कॉमन फैक्टर देखना है और सभी में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सभी में सेम होना चाहिए। अब सभी में सेम होना चाहिए मतलब इन दोनों में कॉमन क्या था? 2 कॉमन था, इधर 2 बार है, इधर 2 3 बार है। अब कॉमन तो अपने इधर 2 है, इधर 2 है, यानी कि अपने को कम पावर वाला लेना है। दे तो हाईएस्ट दे रखा है, जबकि चूज कौन सा करना है अपने को? कम वाला, ठीक है। दूसरी बात कर रहा है ये एलसीएम की। एलसीएम में क्या करना है? जो कॉमन है उसकी अधिकतम पावर, जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात, तथा जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, जो कॉमन
नहीं है वो भी ले लें। अब यहां पर यही था भी जब अपने एलसीएम निकाल रहे थे, अपने इसको दोबारा करते हैं। अब एलसीएम निकालना है, अगर यहां पे कॉमन है, कॉमन की अधिकतम पावर कॉमन दो था तो दो की अधिकतम पावर कितनी है, चार है, चार ले लो इंटू तीन, कॉमन नहीं था दोनों में तो भी नहीं है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेने, तो दो की पावर चार सोलह इंटू तीन कितना आ जाएगा ये 48, तो आपका जो एलसीएम आएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 48। दोनों के अंदर क्लियर कैसे करना है, एचसीएफ कॉमन देखना है और कॉमन दोनों में घात क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों में कॉमन दो था घात सेम रखनी है, यहाँ दो की पावर दो है यहाँ दो की पावर चार है तो अपने को घात सेम रखनी है, मतलब दो की पावर दो ही कॉमन ले सकते हैं, तो दो की पावर दो आएगा तो दो की पावर दो यानी कि कितना आ जाएगा चार। बात करेंगे एलसीएम की, एलसीएम में जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात लेनी है तथा जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। अब दोनों में कॉमन क्या था, दो था तो दो की अधिकतम घात कितनी है अपने पास चार है, इंटू में जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, तीन था तीन कॉमन नहीं है तो भी कोई बात नहीं अपने को लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहां से एलसीएम 48। और इसके एग्जांपल देखते हैं भी कैसे इसको सोल्व आउट करना है अपने। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर अपनों ने लिया आठ सोलह व बीस, इसका अपने को एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, इसका अपने को एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम। सबसे पहले आठ के फैक्टर करो, क्या हो जाएगा दो इंटू दो इंटू दो, दो दो चार चार दो, मतलब दो की पावर कितना बन गया तीन बन गया। सोलह का करो क्या हो जाएगा दो दो दोनी चार चार दोनी आठ और आठ दोनी सोलह, मतलब दो की पावर कितना आ जाएगा चार आ जाएगा। बीस के करें दो दो दोनी चार और चार पांच बीस, यानी कि दो को दो बार लिखेंगे और एक क्या आ जाएगा आपका पांच आ जाएगा। क्लियर है चीज। अब अपने को निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ क्या है कॉमन और कॉमन यानी कि घात सब में क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, यहां देखो दो की पावर तीन यहां दो की पावर चार यहां दो की पावर पांच, मतलब तीनों में दो तो कॉमन है पर पावर देखो इधर दो है इधर चार है इधर तीन है, तो अपने को कम पावर वाला लेना है कितना दो की पावर दो, तो यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका चार आ जाएगा। बात करेंगे एलसीएम, एलसीएम में क्या लेना है कॉमन है उसकी अधिकतम, दोनों तीनों में कॉमन क्या था दो और दो की अधिकतम पावर कितनी है चार है तो दो की पावर चार इंटू, चाहे कॉमन नहीं है वो भी लेना है, तो तीनों में क्या था एक पांच भी था ये भी लेना है, तो दो की पावर चार सोलह सोलह इंटू पांच अस्सी, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा अस्सी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना है अपने को, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं अपने इसके, जैसे मैंने लिखा यहां पे चौबीस बहत्तर व एक सौ चौवालीस, इसका अपने को एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम निकालना है। बात करते हैं सबसे पहले 24, 24 के फैक्टर क्या होंगे दो दो दुनी चार चार दुनी आठ और आठ दिया 24, मतलब दो को तीन बार लिखा इंटू में एक तीन था। बहत्तर का करते हैं क्या हो जाएगा दो दो दुनी चार चार दुनी आठ आठ दिया 24 और 24 दिया बहत्तर, मतलब दो को तो तीन बार लिखा और तीन को कितनी बार लिखा है उन्होंने दो बार लिखा है। बात करते हैं 144 की, 144 का क्या हो जाएगा दो दो दुनी चार चार तीये बारह बारह, फिर बारह इंटू बारह लिख सकते हैं, मतलब बारह इंटू बारह क्या होगा आपका 144 होगा, मतलब दो इंटू दो इंटू तीन ये दोबारा लिख सकते हैं, ये भी बारह है और ये भी बारह है, तो बारह इंटू बारह क्या हो जाएगा 144। अब दो देखो कितनी बार है एक दो तीन और एक चार, तो दो की पावर चार इंटू तीन कितनी बार है एक और। क्लियर ये चीज। अब अपने को फाइंड करना है यहां से एचसीएफ, एचसीएफ क्या है कॉमन कम पावर वाला, कॉमन क्या था देखो यहां पर दो है सब में बिल्कुल है, तो दो की कम पावर कौन सी है तीन तीन चार, तो मतलब दो को तो तीन बार ले लेंगे इंटू, और देखो कुछ कॉमन है तीन इधर भी है इधर भी है इधर भी है, अब तीन की कम पावर कितनी है यहां पर एक ही है तो तीन एक बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा दो की पावर तीन आठ आठ इंटू तीन, यानी कि जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा आपका चौबीस आएगा। बात करते हैं एलसीएम की, जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर तीन तीन चार, मतलब दो कितनी बार लेंगे अपने चार बार लेंगे इंटू तीन, देखो तीन भी था तीन एक बार है तीन दो बार है तीन दो बार है, मतलब तीन कितनी बार आएगा ये दो बार आएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहां से दो की पावर चार सोलह, यानी कि तीन की पावर दो नौ सोलह इंटू नौ कितना होता है ये 144, तो आपका जो एचसीएफ आएगा वो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा यहाँ से 144। क्लियर है ये चीज, एचसीएफ और एलसीएम निकालने कैसे अपने को, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, चाहे आपको अदर वे में दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पे ए की क्यूब बी
ए स्केयर बी की पावर चार, उसके बाद अगर यहां से निकालेंगे ए की पावर पांच बी की पावर दो। अगर यहां से पूछे आपसे एचसीएफ क्या आएगा और एलसीएम क्या आएगा, तो देखो एचसीएफ निकालना है तो कॉमन कॉमन देखो इधर ए बी है, इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है। पहले ए को देखो, ए इधर है इधर है इधर है, ए की कम पावर कितनी है दो है, सर दो ले लेंगे। उसके बाद बी इधर भी है इधर भी है इधर भी है, और बी की कम पावर यहां दो है यहां चार है यहां एक है, तो बी एक आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा आपका ए स्केयर बी। एलसीएम की बात करेंगे, तीनों में कॉमन क्या था, पहले ए की बात देखो, ए है मैक्सिमम पावर कितनी है पांच, तो ए आ जाएगा पांच बार इनटू बी देखेंगे है तो बी की मैक्सिमम पावर कितनी है चार है, तो यहां से जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा ए की पांच बी की पावर चार। ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आएंगे तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कैसे करना है अपनों ने। अब इससे जो बनने वाले टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपने सीखते हैं, और उससे पहले एक और चीज ध्यान रखनी है एचसीएफ के बारे में। मेन है जो आपका इसके अंदर पार्ट कवर करता है वो है एचसीएफ का। एचसीएफ एक चीज समझने वाली है, मैं अगर यहां पे लिखूंगा एचसीएफ, इसके बारे में अपनों ने अभी पढ़ा है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ क्या होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 15 और 20, ये दो संख्याएं हैं, 15 और 20 दो एक संख्याएं हैं। मैंने मान लिया एक ए है ये 15 है और एक बी संख्या है ये क्या है 20 है, ए 15 है और बी क्या है 20 है। अगर मेरे को इनका एचसीएफ फाइंड करना है, अगर मेरे को इनका एचसीएफ फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 × 3 = 15 और 5 × 4 क्या हो जाएगा 20। तो एचसीएफ निकालना तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन क्या है आपका 5, तो यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है चीज। दूसरा मैं इसी चीज को अगर अनुपात फॉर्म में लिखूं, दो संख्याएं ए और बी हैं, ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू 20 है, अगर मैं इसका अनुपात बनाऊंगा तो अनुपात क्या बनेगा, अनुपात तब बनता है जब इनका कॉमन फैक्टर कट हो जाता है। तो ये 5 से कट रहे हैं, 5 से ये 15 और 5 × 20, मतलब इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना बना 3:4। अब ये अनुपात कब बनता है, जब इनका कॉमन फैक्टर कट हो जाता है, जब इनका कॉमन फैक्टर कट हो जाता है तभी अनुपात बनता है। और अपना कॉमन फैक्टर ही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है, कॉमन फैक्टर ही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। यही बात होने भी दो संख्याएं थी ए और बी, दो संख्याएं थी ए और बी, अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं तो 15 × 5 × 3 = 20 × 5 × 4 एचसीएफ निकालना है कॉमन सर 5 आएगा। अगर मैं इसी को ही दोबारा लिखूं भी ए और बी को अनुपात फॉर्म में लिखूं भी ए 15 है और बी 20 है, इनका अपने को अनुपात निकालना है। अगर मैं अनुपात बनाऊंगा तो ये 5 से कट रहा है, अनुपात तभी माने होगा जब इनका कॉमन फैक्टर कट जाएगा। यहां से 5 थी ये 15 और 5 × 20 कॉमन फैक्टर कट गया तो ये अनुपात बन गया। और अपने को पता है जो कॉमन फैक्टर होता है वही अपना क्या होता है एचसीएफ होता है। क्लियर है ये चीज, जो कॉमन फैक्टर होता है वही अपना क्या होता है एचसीएफ होता है। इसी टाइप के ऊपर ही आपका क्या पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपने सॉल्व करेंगे। बात करते हैं इसके अंदर टाइप वन के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा अपने को, जैसे मैं यहां पे क्वेश्चन लिखूं किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है तथा उनका एचसीएफ 8 है, तथा उनका एचसीएफ 8 है, तो बताओ वह संख्याएं क्या होंगी। अभी अपनों ने सीखा है कि दो संख्याएं हैं, मैंने मान लिया एक ए और एक बी है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 4:5, और इन दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है अपने को एचसीएफ भी दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है अपने को 8। अब पूछा है कि भी वह संख्याएं क्या है, मतलब अपनों से ए और बी की बात कर रहा है, ए क्या है और बी क्या है। अगर मेरे को एचसीएफ 8 दे रखा है और एचसीएफ ही क्या होता है आपका कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर था वो कितना था 8 था, तो पहली संख्या कितनी होगी 32 और दूसरी संख्या कितनी होगी
40, तो यही आपका क्या बनता है आंसर बनता है, विभेय संख्याएं 32 या 40 होंगी। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, भी दो संख्याओं का अनुपात है 4:5 है तथा उनका एचसीएफ 8 है, तो बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी 32 होगी। अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी यहाँ पर 40 होगी। क्लियर है ये चीज, किसी को यहाँ पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। और देखना है अगर अपने इसी क्वेश्चन को लिखें, भी किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ है उनका 6, उनका एचसीएफ कितना है 6, तो बताओ उनका एलसीएम क्या होगा, तो बताओ उनका एलसीएम क्या होगा। देखो क्वेश्चन यहीं पर ही घूमेंगे अपने सब, यहीं पर इसको कवर करेंगे। दो संख्याओं की बात कर रहे हैं तो मैंने ले लिया संख्याएं हैं एक ए और डी, इन संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है अपने को 3:5, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में अपने को इनका एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है 6 दे रखा है। पूछा गया अपनों से एलसीएम, पूछा यहां से अगर अपने को एलसीएम निकालना है तो मेरे को संख्याएं भी चाहिए, संख्याएं निकालने के लिए अपने को अनुपात भी दे रखे और क्या दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, और एचसीएफ क्या होता है इन्हीं का ही कॉमन फैक्टर, मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर कट हुआ है वो कितना था 6 था, तो मतलब पहली संख्या कितनी आ जाएगी 18 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, पहली संख्या कितनी आ जाएगी 18 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। अब सर पहली संख्या तो 18 आ गई, दूसरी संख्या कितनी आ गई 30 आ गई, क्या अपन इनका एलसीएम नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं, अभी अपन इसको बेसिक से बता रहा हूं, इसको और शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम कैसे आएगा देखना, आपका आंसर बहुत ईजी आएगा। यहां पर देखो पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या कितनी है 30 है, अपने को निकालना है एलसीएम। अगर पूछता संख्याएं तो संख्या एक 18 होती है और एक क्या होती 30, जबकि उसने यहां पे पूछा गया अपनों से एलसीएम पूछा है, अगर 18 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएंगे 2, 2 3 6 और 6 दिए 18, 30 के करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 5 10, 10 दिया 30, यही आएगा 2 5 10, 10 दिया 30, और ये हो गया। अब देखो अपने को एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए क्या करते हैं कॉमन है वो भी लेना है, उसकी मैक्सिमम और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, तो 2 देखो है कॉमन बिल्कुल है, इनटू 3 इधर 2 बार है इधर 1 बार है, तो 3 अपने को 2 बार ही लेना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं, 5 इधर है इधर नहीं है कोई बात नहीं, चाहे कॉमन है चाहे नहीं है लेना ही पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा यहां से 2 3 6, 6 3 18 और 18 5 90, अपनों से एलसीएम पूछा था तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 90 आएगा। क्लियर है ये चीज। अब इसी को ही अपने अगर ये ना करें और किस वजह से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, और किस वजह से अपने इसका एलसीएम निकाल सकते हैं ये अपने को सीखना है। अब यहां पर देखो मैंने लिया दो संख्याएं ए और बी, अभी लिया भी इनका अनुपात था 3:5 और अपने को क्या दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अब अपनों से पूछा क्या एलसीएम, तो आपने ध्यान रखना है जब भी किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दिया जाएगा, जब भी किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दिया जाएगा और उसका एचसीएफ भी दिया गया हो और एलसीएम पूछे, तो एलसीएम हमेशा किसके बराबर होगा एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, और ये ए इंटू बी क्या है अनुपातों का गुणनफल, ए और बी क्या है अनुपातों का गुणनफल, संख्या नहीं है इस चीज का ध्यान रखना, ए और बी क्या है यहां पर अनुपातों का गुणनफल। चेक करो आंसर आपका कितना आया था वहां पर, आंसर कितना आ रहा था वहां पर 90 आ रहा था, देखो यहां पर 90 आ रहा है क्या, एचसीएफ कितना दे रखा है 6, तो ए इंटू बी अनुपातों का गुणनफल, एक अनुपात 3 है और दूसरा अनुपात कितना है यहां पर 5 है, तो देखो 6 3 18 18 5 90, तो यहां से भी आपका आंसर कितना आ रहा है 90 आ रहा है। अपने को यहां पर संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अपनों से पूछा गया था सिर्फ एलसीएम पूछा था, अगर अपने को डायरेक्ट एलसीएम पूछा जाए तो आपने क्या ध्यान रखना है एलसीएम किसके बराबर होएगा एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, और ए इंटू बी क्या है आपके अनुपातों का गुणनफल, संख्या नहीं है ये क्या है आपके अनुपातों का गुणनफल है, तो वहीं से ही अपनों ने निकाल सकते हैं डायरेक्ट एलसीएम। अगर ये मेथड ध्यान नहीं रहता है तो पहले संख्या निकालो फिर उन संख्याओं से अपनों ने एलसीएम निकालना सीखा है, अभी वहां से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। क्लियर है ये चीज। और देखते हैं इसके क्वेश्चन, अपनों ने मैंने लिखा भी दो संख्याओं का अनुपात है 6:7 और इनका एचसीएफ दे रखा है, इनका जो एचसीएफ दे रखा है, यहां से आपको एलसीएम भी दे दिया जा सकता है,
अगर अपने एलसीएम की बात करें मान लो 210 है, अगर आपसे एससीए पूछे कुछ भी पूछा जा सकता है, बी के लिए दो संख्याओं का अनुपात है 6:7, यदि उनका एलसीएम 210 हो तो बताओ उनका एससीएफ क्या होगा। अब सर अपने पास संख्या भी नहीं है, करेंगे क्या, मैंने अभी एक चीज बताई जो एलसीएम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एससीएफ इनटू दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। अब एलसीएम कितना दे रखा है सर, 210 दे रखा है, एससीएफ अपनों से पूछे और ए और बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 6:7, तो 210 बराबर एससीएफ इनटू में 42 और 42 इनटू 5 कितना होता है 210, तो यहां से जो आपका एससीएफ आएगा एससीएफ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, एससीएफ कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, अपने वहां पर छोड़ देते हैं क्यों सर, अनुपात तो दिया था एलसीएम दिया था एससीएफ पूछ लिया, संख्या ही नहीं है तो कहां से निकाल लें एससीएफ। ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कैसे बना है मैंने आपको बताया भी है, ये रटना नहीं है, किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर अपने को एलसीएम निकालना है अगर उनका अनुपात दिया हो तो ये किसके बराबर होगा, एससीएफ इनटू दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। तो यहां से आपको एससीएफ और ये देख के तो एलसीएम पूछा जा सकता है, या एलसीएम देके एससीएफ देके क्या पूछा जा सकता है आपसे, दोनों के संख्या भी पूछी जा सकती है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और चीज अपनों ने ध्यान रखनी है, जब भी अनुपात होता है ना, मैंने लिखा जैसे दो संख्याएं हैं, एक और चीज सीखने वाली आगे काम आएगी, दो संख्याओं का मैंने अनुपात लिखा 3:4, अनुपात कब बनता है, अगर मैं लिखूं क्या 4:6, क्या ये अनुपात सही है, नहीं है, ये अभी सही नहीं है, ये अभी 2 से कट रहा है, 2 × 4 = 6, ये अनुपात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। तो ये देखो जब भी अनुपात बनते हैं ना तो वो अनुपात क्या होते हैं, अभाज्य गुणन होते हैं, अभाज्य जोड़े होते हैं, यानी कि अभाज्य मतलब तब तक अनुपात नहीं माना जाता जब तक उनमें से कॉमन फैक्टर पूरा कट ना हो जाए। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अभाज्य हैं, ये दोनों सर भाज्य हैं क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है, दोनों में 2 का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, तो ये भाज्य जोड़े हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों अनुपात है, बिल्कुल सही अनुपात फॉर्म में बिल्कुल सही है, पर ये देखो दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य हैं, यानी कि जब भी अनुपात बनता है ना लास्ट में वो आपका हमेशा क्या बनता है, अभाज्य जोड़े के रूप में बनता है। अगर भाज्य के रूप में लेंगे तो मतलब उसके अंदर अभी भी कॉमन फैक्टर पड़ा है कटने वाला, क्लियर है ये चीज, ये आगे काम आएगी, कैसे आएगी मैं आप सबको बताऊंगा, क्लियर है ये चीज। और इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं अपने एक दो, जैसे दे दिया कि नहीं दो संख्याओं का अनुपात, कि नहीं दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, अगर इनका एलसीएम 120 है तो बताओ एससीएफ क्या होगा, तो बताओ एससीएफ क्या होगा। अब अभी पढ़ा अपना जो एलसीएम होता है वो किसके बराबर होता है, एससीएफ इनटू दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। एलसीएम कितना दे रखा है अपने को सर, 120 है, एससीएफ कितना है निकालना है सर अपने को, दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल कितना है 2:5, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 120 बराबर एससीएफ इनटू में 10, तो 10 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 10, तो यहां से जो आपका एससीएफ आएगा एससीएफ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, एससीएफ कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, क्लियर है ये इतनी सी चीज। इस टाइप के क्वेश्चन आपने ध्यान रखने, और एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से कैसे पूछा जाता है, इसी को ही वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, इसी को ही क्या कर देता है मॉडिफाई, आपको क्या कहेगा भी किन्हीं दो संख्याओं का जो एससीएफ है, किन्हीं दो संख्याओं का एससीएफ है वो कितना है 5 है, और उनका जो एलसीएम है, उनका जो एलसीएम है, एलसीएम है उनका मान लो 120, एलसीएम कितना है उनका 120 है, यदि दोनों संख्याओं का
योग, यदि दोनों संख्याओं का योग पैंसठ हो तो बताओ वे संख्याएं क्या होंगी, तो बताओ वे संख्याएं क्या होंगी। अब क्वेश्चन है भी दो संख्याओं का एचसीएफ तो कितना है, पांच है, और उनका एलसीएम कितना है, 120 है। कंडीशन दे दी यदि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 65 है तो बताओ वे संख्याएं क्या होंगी। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे अपने ने अभी सिर्फ एक ही कंसेप्ट सीखा है, क्या भी सर अनुपात वाला सीखा है अभी तक, तो उसी से ही अपने इसको सॉल्व करेंगे। मैंने अभी तक इतना ही पढ़ाया है जो एलसीएम है वो किसके बराबर होते हैं, एचसीएफ इनटू दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। सर एलसीएम तो 120 है, एचसीएफ 5 है, और ए इंटू बी अपने को नहीं पता, तो इसको काट सकते हैं यहां से, 24 5 120। मतलब दो संख्याओं के, ये क्या है ए और बी, ये दो संख्याओं के अनुपात हैं, और इन दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। मतलब दो ऐसे अनुपात हैं, दो ए और बी के हैं आपके अनुपात ही तो हैं, ये ऐसे अनुपात हैं, इन दोनों अनुपातों का गुणा कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो 24 अपने किस तरह से बना सकते हैं, सर 8 इंटू 3 करके बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, एक जोड़ा तो ये बन जाएगा। और ध्यान रखना है ये जो आपके अनुपात बनने, ये क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। आप कहते हो सर 12 इंटू 2 भी तो बनते हैं 24, क्या ये अभाज्य है, क्या नहीं है। अनुपात कब माने होते हैं, जब वो क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं। तो 12 इंटू 12 और 2 का पेयर नहीं बनेगा, सर 24 इंटू 1 का बना सकते हैं, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों क्या है, अभाज्य है। क्या और किसी तरीके से बनता है क्या 24, नहीं बनता सर, सिर्फ ये दो ही तरीके बनते हैं। अगर अपनों ने लिया भी इन दोनों संख्याओं का अनुपात 8:3 ले ले, दोनों को चेक करके देखते हैं आपका आंसर किससे आता है। मान लो मैंने अनुपात ले लिया 8:3, अपनों ने अनुपात कितना ले लिया 8:3। अब मैं यहां से संख्या निकालूंगा और संख्याओं का योग चेक करूंगा, अगर 65 बन रहा है तो मतलब ये वाली संख्याएं अपनी सही हैं। अब संख्या कैसे निकालेंगे, सर संख्याएं तो दे रखी हैं, इनका कॉमन फैक्टर कहां से लाएं, सर कॉमन फैक्टर दे रखा है, कितना दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, चल 5 दे रखा है, तो करो यहां से कितना हो जाएगा ये 8×5=40 और 5×3=15, यहां पर आप 55 करो, 65 नहीं होगा 55 होगा, ठीक है, यहां पर 55 कर देते हैं अपने। एक कितना बन रहा है 40 और एक बन रहा है 5×3=15, क्या इन दोनों का टोटल 55 बन रहा है, सर बन रहा है, बिल्कुल है, यानी कि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर अपने ले 24 और 1, अगर अपने ले 24 और 1, यहां से संख्या लेके देखो, ये भी तो इनका एक जोड़ा बन सकता है, क्योंकि 24×1×24 बन रहा है, अगर इनका कॉमन फैक्टर 5 ले तो 24×5=120, 5×1, इन दोनों का टोटल तो कितना बन रहा है सर 125 बन रहा है, जबकि टोटल रहना कितना चाहिए 55 रहना चाहिए, टोटल कितना रहना चाहिए 55, मतलब ये वाला पेयर तो गलत है, तो ये वाला पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला पेयर अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब अनुपात क्या थे 8×3, इनका कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ 5 दे रखा है, ये 8×5=40, 5×3=15, यानी कि एक संख्या 40 होगी और एक संख्या कितनी होगी 15 होगी। अब आपसे पूछे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है 15 है, पूछेगा सबसे बड़ी कौन सी है 40 है। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम दे देगा और दोनों संख्याओं का टोटल दे देगा, बताओ वो संख्याएं क्या होंगी। तो आपने इस भी क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, इसी मेथड से ही करना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है मैंने पहले भी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आपके काफी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ध्यान रखना अपने। और भी इसके टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से बनते हैं इसके क्वेश्चन, वो अपने करेंगे कल की क्लास के अंदर। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना, बाकी जो कंसेप्ट है वो अपने कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन ये है भी दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो दे रखा है अपने को 4, और उनका जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है अपने को 80, उनका एलसीएम कितना दे रखा है 80 दे रखा है। यदि दोनों संख्याओं का योग, यदि दोनों संख्याओं का योग 41 हो तो बताओ वे संख्याएं, तो बताओ
वे संख्याएं तो बताओ वे संख्याएं क्या होंगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। बाकी जो इसका कंसेप्ट है वो अपने करेंगे कल की क्लास के अंदर। और जिन भी विद्यार्थियों ने जिन भी दोस्तों ने अपने नंबर सिस्टम का संख्या पत्ती का चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं किया वो प्ले लिस्ट में जाकर उसको जरूर देखें और इसी चैप्टर को कंटिन्यूटी के अंदर देखते रहें और कल के सेशन में भी इसी तरह बने रहें और हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। बाकी मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंदर, इसी को यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।